आजाद आकाश गंगा का नेता लौट आया है। मैं जानता था वो जरूर आओगे, कोई शक नहीं। हमें तुम्हारा संदेश मिला था, हम इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा, हम फिर से एक साथ हैं। इंसानों ने हमें कायदे के हिसाब से चलने को कहा। खैर, कायदे अभी अभी बदल गए हैं। इंसान पीठ में छुरा घोंपने वाले धोखेबाज। हाँ, अपने जमीर को पहचानो। वफादारी खौफ और लालच की तूफानी हवाओं में एक नाजुक से फूल की तरह होती है। क्या बकवास कर रहे हो? ये कविता है। ये कविता पाठ मत करो, वरना तुम्हारे गले में बम कर दूंगा। करके तो देखो, मारे जाओ। ठीक है, कोशिश करके देख लो। मारना है तो मार डालो ना यार, वक्त बचेगा हमारा। चलो, अगर पृथ्वी पर हमारी इस खुशनुमा छुट्टी से मन भर गया हो तो हाथ ऊपर करो। कौन है ये तीन छिपकर घुसाए लोग? अरे अरे, ये बंदूक से क्या करो? तुम दोनों रुको। इन्होंने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली है, हम पर इनका एहसान है। तो क्या किसी और का कोई नामो निशान नहीं? अब सिर्फ हम ही बचे हैं। वो हमें एक एक करके मार रहे हैं। हम ही बचे चार चंडाल हैं और पांचवे तुम हो। प्राइम, आपकी अनजान किस्मत के चलते बम्बलबी ने सबको संभाला हुआ है। हालांकि उसके अंदर एक जंगी योद्धा की किसी तरह की कोई भी फितरत नहीं है। वो एक बच्चे जैसा है। ये दोनों फिर से शुरू होगा, देख लेना। लड़ाई शुरू, बम्बलबी जीतेगा। मार डालूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। अब इन्हें क्या होगा? क्या सिर्फ मुझे ही इसकी इस भोली सूरत की असलियत नजर आती है? तुम्हें ये शोभा नहीं देता। वाह, मुझे इंतजार था कि ये एक दूसरे को मार दे तो बिना किसी मुसीबत के मैं लीडर बन सकूं। खुद का मालिक मैं खुद बनूं।